क्यों पराजित हुआ आपसे युद्ध में, जानकी की वजह से न मैं मर सका। लोग समझते हैं कि मैं जानकी की वजह से मार गया हूं। जिस दिन मैंने सीता का हरण किया था उसी दिन मुझे पता था कि ये कोई साधारण स्त्री नहीं है, ये संसार के स्वामी की स्त्री। और राम जी को यह भी बताया कि जब हम स्वर्ग लोक से यहां पर आ रहे थे, मैं और विभीषण, तो ब्रह्मा ने हमसे कहा था कि जब आपके समान आपके दो भाई खर और दूसर का वध अगर कोई कर देगा तो उस समय समझ लेना कि तुम्हारा अंत निकट आ गया। तो किस तरह से कह रहे हैं, राम सुन लो मेरी बात तुम गौर से, क्यों पराजित हुआ आप से युद्ध में। राम सुन लो मेरी बात तुम गौर से, क्यों पराजित हुआ आप से युद्ध में। राम सुन लो मेरी बात तुम गौर से, जानकी की वजह से ना मैं मर सका। किसी भी एंगल से मेरे बराबर नहीं हो। आज मेरा बड़ा कुल भी मेरा बड़ा, आज मेरा बड़ा कुल भी मेरा बड़ा, आज मेरा बड़ा, आज मेरा बड़ा कुल भी मेरा बड़ा, आज मेरा बड़ा कुल भी मेरा बड़ा। जब तुम भी अपने घर यज्ञ कराते हो तो मुझे ही बुलाते हो। चार वेदों छयो शास्त्री कंठस्थ हैं, चार वेदों छयो शास्त्री कंठस्थ हैं, चार वेदों छयो शास्त्री कंठस्थ हैं, चार वेदों छयो शास्त्री कंठस्थ हैं। शास में भी बड़ा तुमसे प्रभुत्व है, राम सुन लो मेरी बात तुम गौर से। कहते हैं कि राम कि तुम कहां रहते हो। रावण कहते हैं यार अयोध्या में। अयोध्या में कहां रहते हो कि अपने महलों में, कि वो महल किससे बने हुए हैं। क्या अच्छी बात कहते हो, महल किससे बने होंगे, ईंट पत्थरों से बने होंगे। कि तुम्हें पता है मैं कहां रहता हूं, मैं जा रहता हूं वो सोने की नगरी है, सोने की लंका। और सोना भी ऐसा नहीं है बेकार,
बिल्कुल खरा सोना है जो भगवान शंकर की दी हुई है। मेरे रहने में सोने करने में जिसके कारण मैं आज मैं यहाँ पर मृत्यु सैया पर लेता हूँ। मैंने अपनों को अपने अपनों को मैंने अपनों को ठुकरा के गलती करी मैंने अपनों को ठुकरा के गलती करी मैंने अपनों को ठुकरा के गलती करी भावना तुमने अपने तो लक्ष्मण जी आगे के लिए आए और कहने लगे हे रावण 14 वर्ष का वनवास तो मैंने राम जी के साथ काटा है और तुम बात करते हो भरत की। तो रावण मुस्कुराते हैं राम जी की तरफ देखते हैं। राम जी कहते हैं कि हे रावण ये लक्ष्मण तो नादान है नहीं जानता। तो रावण कहते हैं अगर ये नादान है तो आज इसकी आंखें खोलनी भी जरूरी है कि लक्ष्मण तुम्हें पता है कि उस परमेश्वर के साथ साथ भगवान राम जी के साथ कोई 14 साल या 14 जन्म रह सकता है लेकिन उसका देखो भरत महलों में ना रह के महलों से बाहर एक कुटिया बना रखी है और तुम तो राम जी के साथ रहते हो उस कुटिया में भी 4 फुट नीचे गड्ढा बनाया हुआ है उस गड्ढे में सोते हैं। उसका कहना है कि मैं राम के बराबर नहीं हो सकता इसलिए मेरा स्थान उससे नीचे है। मैंने अपनों को